फेस पर मंथन और कितना चिंतन। नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। वीकेंड के महाबहस में आप सबका स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बैठक और मंथन का दौर जारी है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर जल्द ही सस्पेंस दूर होने वाला है। हालांकि एक हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ में सीएम का सस्पेंस खत्म हुआ और यहां विष्णु देवसाय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान की बारी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जयपुर में विधायक दल की बैठक होने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे इसमें विधायकों की राय जानेंगे और बाद में दिल्ली में पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सीएम पर मुहर, अब राजस्थान और एमपी की बारी। छत्तीसगढ़ में चौंकाया, राजस्थान में भी चौंकाएंगे। राजनाथ करेंगे विधायकों से मंथन। राजस्थान को जल्द मिलेगा नया सीएम। सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम भी संभव। फेस पर मंथन और कितना चिंतन। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि कुछ ही समय में राजस्थान को भी नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि कब। लक्ष्मीकांत पारिक जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस पर जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पौरुष भारद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आप दोनों मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। आज चर्चा की शुरुआत आशुतोष जी आप ही से करते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए, राजस्थान में कमल का फूल खिल गया। अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। कांग्रेस कह रही है कि तय ही नहीं कर पा रही है बीजेपी, वजह क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा की है, तो वहां भी साथ में ही चुनाव परिणाम आए थे और मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक कल है, राजस्थान की भी कल या परसों में बैठक प्रस्तावित है। तो अगर बीजेपी की कार्यप्रणाली के हिसाब से देखें तो यह विलंब बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत लिया जाने वाला उनका समय है। लेकिन कांग्रेस के जो यह आरोप है, जो कांग्रेस का हमला है कि इतने दिन तक आप मुख्यमंत्री का फेस तय नहीं कर पा रहे हो, वह राजनीतिक दृष्टि से उनका अपना एक सही स्टैंड है और विपक्ष में होने के नाते यह उनका स्वाभाविक तौर पर दिया हुआ वक्तव्य बनता भी है कि वह सरकार को लगातार घेरे और अभी सरकार का आधिकारिक चेहरा सामने नहीं आया है तो कम से कम अभी चेहरे के नाम पर घेरे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक स्वाभाविक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ रही है और अगले 1 या 2 दिन में, कल या परसों में, हमको राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का पता शायद चल जाना चाहिए। अगर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे यहां सब कुछ सामान है, अगर वैसा है तो आशुतोष जी, अभी छत्तीसगढ़ में जिस सीएम के नाम का ऐलान हुआ वो आदिवासी समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कि राजस्थान में भी सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी, ना सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर बल्कि कैबिनेट में भी? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज कहा गया था कि सोशल इंजीनियरिंग पर भारतीय जनता पार्टी जब जिस समय विधानसभा के टिकट बांटे थे उस समय भी उसने पूरा फोकस किया था और यह तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम है, जो तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें ओबीसी, आदिवासी, दलित, महिला, इन तमाम का संतुलन बैठाने की पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी और उसी की परिणति हमको आज दिखी कि एक आदिवासी को, क्योंकि आप देखेंगे एक बड़ा लंबा बेल्ट है आदिवासी इलाके का जो शुरू होता है आपका छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा मध्य प्रदेश और नीचे तक जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी तबके को आज विष्णुदेव साय के रूप में साधने की कोशिश की है और अब जो मध्य प्रदेश और राजस्थान बची हैं, मुझे लगता है कि उसमें महिला,
दलित और ओबीसी इन तीनों का एक संतुलन बैठा करके एक ऐसा चेहरा इन दोनों राज्यों में भी मुख्यमंत्री के तौर पर दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को पूरा करता हो। बिल्कुल, तो सोशल इंजीनियरिंग भी की जाएगी क्योंकि कहा जा रहा है कि अलग अलग कास्ट से अलग अलग समुदाय से लोगों का चयन किया जाएगा। लेकिन पौरुष जी, बीजेपी ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, सोशल इंजीनियरिंग भी की जा रही है जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू की गई हैं क्या, और हार को लेकर समीक्षा भी की जा रही थी कांग्रेस की ओर से, कुछ नतीजा निकल सका है क्या? प्रियंका जी, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपके इसका डिबेट का जो टॉपिक है कि जो सीएम पे मंथन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक घोषित नहीं कर पा रही, तो देखिए ये तो इसकी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछले 5 साल से जो गुटबाजी चल रही थी, आज जो हो रहा है ये उसकी परिणति है, उसका पटाक्षेप होने के लिए जा रहा है। देखिए आपने देखा कि पिछले 5 साल में किस प्रकार से माननीय मोदी जी द्वारा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को चला करके तमाम राजनीतिक मंचों से और राजनीतिक कार्यक्रमों से उनको इग्नोर किया गया, और उसके बाद में कल हमने देखा कि नतीजे आए तो इनके जो दो बड़े चेहरे थे सतीश पुनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो राजेंद्र राठौड़ को भी तो हार मिली है पौरुष जी। नहीं देखिए, देखिए हमारे यहाँ तो हार मिली है निश्चित तौर पे, हमारे हार का मंथन हो रहा है। देखिए जो राज नहीं, देखिए जो बात उसकी हो रही है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि भाई मेरा मेरा चेहरा ही मेरी गारंटी है, और जब एक तरफ से भाजपा की लहर की कथित लहर की बात की जा रही है, और ऐसी स्थिति में जब वो हार जाते हैं, और हारने से बड़ी बात आप देखिए, कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पे, तो राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे थे कि भाई मुझे तो मेरे अपनों ने लूटा, उनका इशारा भाजपा के किसी बड़े नेता की तरफ था कि उन्होंने मुझे चला करके हरवाया, वरना मैं सीट को हारने वाला नहीं था। तो इस प्रकार की जो गुटबाजी है इसी चीज का परिणाम है कि आज राजस्थान के नतीजे आए हुए 7 दिन हो गए और भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पाई। मैं आज इस बात को कहना चाहूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके डिबेट में आने से पहले एक राजस्थान के बड़े समाचार पत्र के पत्रकार का मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उन्होंने उसमें लिखा कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी एक बड़ी टूट की ओर। तो देखिए जो देरी हो रही है, ये भले ये लोग कभी राष्ट्रपति जी के दौरे के बहाने कल की विधायक दल की बैठक को टाल रहे हो, जबकि एक जब टेक्नोलॉजी का युग है, जब विमान से कहीं पे भी आदमी 1 से 2 घंटे में कहीं पे पहुंच सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में भाग लेकर के वे जयपुर आए और 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद समय रखते हैं, पर तो निश्चित तौर पर इनकी आंतरिक गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी टूट की ओर अग्रसर है। इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर देरी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी शुरू से परिपाटी रही है राजस्थान में कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि जब राजस्थान में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएगा। मैं इस बात को विपक्षी पार्टी होने के नाते कहना चाहता हूं कि जब जनता ने आपको जनादेश दिया तो निश्चित तौर पर देरी की वजह कुछ और बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमें इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि 5 सालों तक कांग्रेस ने कुशासन की सरकार चलाई है, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढ रहे हैं हम जो अब अच्छे से सरकार चला सके। देखिए जब जब हमारी सरकार थी, जब इनसे इनके मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पूछा जाता था तो ये लोग जवाब देते थे कि हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 10-10 मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। तो आज वो 10 मुख्यमंत्री पद के चेहरों में से क्या इनको एक चेहरा भी नहीं मिल पा रहा? क्या ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ अयोग्य लोगों की लंबी लाइन लगी पड़ी है, हमें अयोग्य लोगों में से छांटना पड़ेगा कि कौन राजस्थान को चलाने के योग्य होगा? यदि ऐसी स्थिति थी तो मोदी जी को पहले इस बात को, जब इनके राजस्थान की जो मुख्यमंत्री पहले थी उनको या किसी को पहले इनको तय करके राजस्थान की जनता को बताना चाहिए था। जैसा कि आपने देखा चुनावी अभियान में हमारे नेताओं के द्वारा लगातार इस बात को कहा गया कि भाई आप अपना चेहरा तो बताइए, जनता राजस्थान की जनता किसके पास जाकर के अपने संकट कहेगी, किसको जाकर के रोएगी कि भाई मेरे साथ हमारे पास ये संकट है, आप हमारे संकट का समाधान कीजिए? मोदी जी से क्या मिलना संभव है? राजस्थान चेहरा नहीं मिल रहा है क्या सीएम के लिए? वो कह रहे हैं कि अयोग्य लोगों की भीड़ है, उसमें से योग्य चेहरा नहीं ढूंढ पा रही है बीजेपी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये भी बताइएगा क्योंकि हफ्ते दिन निकल चुके हैं। आप मेरा, मैं शायद लेट जुड़ा, पौरुष जी सुन रहा था, मुझे लगता है जिन लोगों का खुद का शीशे के दूसरे को उन पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पिछले समय आपने 13 दिन से अधिक समय मुख्यमंत्री के चयन पर लगाया और राजस्थान की जनता ने उसके बाद सड़क पर जलते टायर और मुख्यमंत्री पद के लिए मुगलिया संघर्ष देखा। उसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान की जनता ने 4-4.5 वर्षों तक तो आपको भोगा, और कुछ विधायक माननीय स्थानीय पार्टी के नेतृत्व में, कुछ विधायक माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में होटल में मनोरंजन करते रहे, जनता मुंह ताकती खड़ी रही कि कभी ये तो हमारे विधायक हमारे बीच आएंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आते हैं और 6 महीने पूर्व सचिवालय में आकर बैठते हैं, घोषणा मंत्री घोषणाओं के अंबार लगा देते हैं। तब तक राजस्थान लुट चुका होता है, राजस्थान पिट चुका होता है, राजस्थान की महिलाओं की अस्मिता तार तार हो चुकी होती है, राजस्थान के अंदर युवाओं पेपर लीक के माध्यम से युवाओं का भविष्य खिलवाड़ पर आ चुका होता है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, ये राज कब खुलेगा, कौन होगा मुख्यमंत्री? क्योंकि
माना यह जा रहा था कि आज कम से कम विधायकों को कॉल पहुंच जाएंगे, कल विधायक दल की बैठक होगी, आज भी कॉल नहीं पहुंचे हैं, यानी कि अब परसों तक माना जा रहा है, तो ये तो बड़ा सवाल है ना कि कब ऐलान करेंगे आप? देखिए निश्चित रूप से नवनीत जब मंथन होता है, मंथन के बाद नवनीत निकलता है, निश्चित रूप से नवनीत का जो निकलता है वह अच्छा नवनीत होता है और मंथन चल रहा है, निश्चित रूप से आपके सामने चेहरे होंगे। अभी मेरे चौंकाने वाला नाम होगा क्या, जैसे छत्तीसगढ़ में ऐलान हुआ है? एक मिनट सुन ले, पहले पूरी बात कर ले, उसके बाद आप बोले, मैं बिल्कुल आपके बात का जवाब दूंगा। पहले माननीय पौरुष जो कहते हैं अयोग्य योगों की भर्ती हो गई, मुझे लगता है कांग्रेस में जिस प्रकार की योग्यता अयोग्यता का मापदंड जो था वह जनता दिखा दिया, जो योग्य व्यक्ति थे वो सदन में पहुंच चुके हैं, उनको शासन मिल चुका है और शासन पर जाने का उनका रास्ता साफ हो चुका है। अब जो भारतीय जनता पार्टी अयोग्य थी तो जनता ने चुना है, तो जनता के निर्णय पर आप सवाल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, चूँकि आपका जो विश्वास है वह न जनता पर है न संवैधानिक संस्थाओं पर है। जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हैं, और जब आप हार जाते हैं तो जनता के निर्णय गलत बताते हैं। अयोग्य व्यक्ति वह हो सकता है जनता की नज़र में जिसको चुनाव हराकर बाहर बैठा दिया गया। यदि हमने कुछ गलतियां की होगी पिछली बार तो हम बाहर थे, आपने गलतियां की, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, आप बाहर हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए, जनता के निर्णय को बिल्कुल सलाखों से लगाइए कि हाँ जनता जो निर्णय किया उसी द्वारा है। लेकिन आपका घमंड, आपका अहंकार बार बार ये बोलता है कि राज बदल गया, लेकिन आपके अंदर वह अहंकार भी क्यों कह रहे हैं? जब इतना ही भरोसा था तो इतने बड़े-बड़े नेता हार कैसे गए? एक खाए बोरा है, राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया का जिक्र किया जा रहा है। देखिए दोनों व्यक्तियों निश्चित चुनाव हार गए, चुनाव जनता ने उन्हें जो निर्णय दिया उन्होंने स्वीकार तक किया है और जनता निर्णय को सराखों पर लगाया। अब आपके राय सिंह राठौड़ ने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसका कोई आपके पास न तो आपके वो आधार है, आधारहीन बात करते हैं। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, कांग्रेस से लोगों की स्थिति वही हुई, कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकार, एक खाए बोराना एक खाए पगला है। तो निश्चित मान के चलिए कि आप जिस प्रकार की स्थिति आपकी बनती जा रही है, राजस्थान जनता आपको सिरे से नकार चुकी है और नकारने के बाद भी आपका अहम आपका घमंड कम नहीं हो रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि घमंडिया गठबंधन की आप लोग हैं, ये बात तय हो गई। और जो घमंडिया गठबंधन है वह ऐसी बकवास करता रहेगा। माननीय मोदी जी के बारे में आपने लगातार गाले निकाले काम किया तो उसका परिणाम यह होगा कि जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से सिरमौर बनाने का काम किया। जब जब आपने माननीय मोदी जी को गालियां दी है तब तक जनता ने अपने सेवक को आशीर्वाद प्रदान किया है, और जब जब आशीर्वाद जनता का मिला है तो माननीय मोदी जी और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान का विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मेरा सीधे तौर पर मानना है माननीय पौरुष जी अपने इस घमंड को तोड़िए, अपने नेताओं को जगाइए, आपकी गलतियों को एहसास कीजिए कि आपने 4.5 वर्षों तक जनता को सिर्फ अब बता दीजिए और कितना दिन आपने दिखावा करने का काम किया। हाँ अब बता दीजिए और कितना दिन लगेगा? निश्चित रूप से परसों का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, हम सबके लिए महत्वपूर्ण होगा, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण होगा। पौरुष जी अब तो बोल दिया है उन्होंने कि परसों का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जब सवाल आप उठाएंगे हफ्ते दिन के अंदर कि सरकार का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है, नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है, तो आप पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना कि आपने कितना दिन लगाया था, और कुर्सी को लेकर जो खींचतान चली थी वो भी कोई भूला थोड़ी है अभी। प्रियंका जी देखिए हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी और हमारी पार्टी में बाकायदा विधायकों से एक एक को बुला करके राय ली गई थी, जबकि अभी आप ही के संवाददाता ने शुरू में सौरभ जी ने बताया कि भाई दिल्ली से जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे वो एक लिफाफा लेकर के आएंगे और विधायकों को बताएंगे कि केंद्रीय आला कमान ने इस नाम पे सहमत इस नाम को जो है मुख्यमंत्री पद के लिए तय किया और विधायक उस बात को मान लेंगे। तो देखिए ये फर्क इनमें और हमारे में, जब हमारे 2018 की बात होती है निश्चित तौर पर यह बात ही बताई जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पे आंतरिक लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत हमारे द्वारा एक एक विधायक से पूछा गया कि भाई आप सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जब अशोक गहलोत जी के साथ विधायकों का बहुमत था तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी को घोषित किया गया, जबकि उससे पहले आलाकमान जी जो थे हमारे उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, रिपोर्ट तैयार किए, कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बताया, फिर भी तो उन्हें टिकट मिला ना। देखिए प्रियंका जी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन 200 लोगों को हमने टिकट दिया था उसमें से 81 लोगों के टिकट 2023 में हमारे द्वारा काटी गई, और देखिए जिन मंत्रियों के हारने की बात रही तो मंत्रियों की हार जो होती है वो एक चाहे वो किसी भी राज्य के हो किसी भी पार्टी के, मंत्री जब बन जाता है व्यक्ति तो अपने विधानसभा क्षेत्र से उठ करके पूरे राजस्थान का वो प्रभार संभालता है और उसके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की उससे उम्मीदें बढ़ जाती है, तो निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ता है। और ये रिकॉर्ड सिर्फ हमारे मंत्रियों के साथ नहीं है, और आप तो आपसे इस बात को दोबारा कहना चाह रहा हूं कि हम तो हमारे मंत्री तो सत्ता में थे,
असंतुष्ट अपने असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, चुनाव हार गए। इनके तो विपक्ष में बैठे हुए राजेंद्र राठौड़ जी थे ना, इनके तो नेता प्रतिपक्ष, वो क्या कर रहे थे 5 साल? उन्होंने क्यों अपने विधानसभा क्षेत्र को नीला छोड़ दिया? प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वो कैसे चुनाव हार गए? और मैं मेरे बड़े भाई लक्ष्मीकांत पारिक जी को बताना चाहूंगा कि ये कह रहे कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे चैनल है इसलिए मैं इस चैनल में नाम नहीं लेना चाहता। कल आप राजेंद्र राठौड़ जी का इंटरव्यू देखिएगा, एक चैनल ने निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में इस बात को कही है कि मुझे तो मेरे अपनों ने हरवा दिया चुनाव। उनका आपकी पार्टी में ऐसा कौन अपना है कि जो उनको चुनाव हरवा आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके बारे में कह रहे हैं तथ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करें, नहीं है तो क्षमा मांगे नहीं है तो आपके पास, यदि कोई व्हाट्सएप आपके पास है, कोई वीडियो आपके पास उपलब्ध करवाएं ना आपके पास, ये देखा देखी नहीं होती, आई विटनेस होता है, ये सबूत मांगती है अदालत में, तो झूठबाजी नहीं चलेगी। और उसी दिखा दीजिए ना वो वीडियो जहां पर कह रहे राजेंद्र राठौड़ की अपनों ने लूट लिया, दिखा दीजिए वीडियो दिखाने के लिए बोल रहे हैं, उपलब्ध है ऐसा वीडियो? क्या मैम आप इसको कहां सुन लिया आपने? यदि आप इसे भेजूंगा मैं कल को, तो वीडियो मैं कल की अपने सर्च किया हवा वही क्लियर नहीं करें प्लीज, अरे समझो अपने राहुल गांधी पढ़ लो भैया, क्यों फालतू बात कर रहे हैं आप? सांसद कैसे चुनाव हार गए बताइए, सांसद कैसे चुनाव हार गए, सतीश पूनिया जी कैसे चुनाव हार गए? मैं आपके वीएफ पर खड़ा नहीं करना चाहता पौरुष भैया, लेकिन आप वीएफ शून्यता की बात कर रहे हैं, डिबेट को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं भैया, आपको राजनीति नहीं चलती, चुनाव हार गया इस पर तो वो खुद भी समीक्षा करेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी समीक्षा कर रही है कि वो कैसे चुनाव हार गई, क्योंकि मिशन 156 लेकर चल रही थी। लेकिन आशुतोष जी, छत्तीसगढ़ में जिस सीएम का ऐलान किया गया विष्णुदेव साय, शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी, तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान में भी ऐसे ही चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए ये बात आप तय मान करके चलिए कि जो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, हाँ। वो तीनों ही राज्यों में नए चेहरे होंगे, युवा होंगे, आरएसएस के बहुत करीबी बैकग्राउंड के होंगे, संगठन के लिए प्रतिबद्धता वाले लोग होंगे, और साथ में आम आदमी से कनेक्ट करने वाले लोग होंगे। ये पैरामीटर आप विष्णुदेव साय के साथ में भी देख सकते हैं, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे, आरएसएस के बहुत करीबी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लगातार विधायक और सांसद रहे हैं, और उसी तरह के चेहरे भारतीय जनता पार्टी उसी तरह के नाम आपको दोनों राज्यों में देने वाली है, या दोनों नाम नए लोग होंगे। पुराने चेहरों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को दांव खेलना होता तो शायद वो चुनाव से पहले उन नामों की घोषणा कर चुकी होती, इसलिए मेरा मानना है कि इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है प्रियंका। यानी कि ये जो चार तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल की तस्वीर है, वसुंधरा राजे की है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, बाबा बालकनाथ हैं, वो नाम रेस में नहीं है। अब आशुतोष जी, कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं, दो डिप्टी सीएम के ऐलान की भी संभावना जताई जा रही है, इसमें कुछ लग रहा है क्या, कौन हो सकता है? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह कहना कि वो चेहरा कौन होगा, वो नाम कौन होगा, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि यहाँ आप प्रेडिक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस तरह के नाम सामने ला करके चौंकाती रही है, हालांकि उनके द्वारा जो नए चेहरे और नए लोग और जो नए नाम उन्होंने जितने तमाम राज्यों में लेकर आए, उसका मिक्स मैच रिजल्ट भी उनको देखने के लिए मिला, कुछ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों के को लेकर के उनके प्रदेश में अच्छा माहौल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करने में, परिवर्तन करने में, और शायद मैं उससे बड़ी बात कहूं तो अब एक नई पीढ़ी को सत्ता सौंपना चाहती है, जिससे जो कि अगले 20 वर्ष 30 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएं, शायद उसी की तौर पर हमको यहां पर और साथ में मध्य प्रदेश में भी एक सीएम के साथ में दो डिप्टी सीएम के फेस देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें यह तमाम कास्ट इक्वेशंस को साध सकते हैं, एज फैक्टर। आशुतोष जी, आप कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं, एज फैक्टर की, साथ ही साथ चूंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं, तो माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम एक महिला भी हो सकती हैं।
बिल्कुल देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से हमको उम्मीद छत्तीसगढ़ में एक महिला मुख्यमंत्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दाव खेल रही थी, उससे भी तो वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, तो राजस्थान में कम से कम एक उप मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम महिला देकर के भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आधी आबादी को यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम केवल जनशक्ति बंधन अधिनियम पास ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए एक गंभीरता से उस दिशा में काम कर रहे हैं, और महिलाओं को यह विश्वास दिला सकती है कि महिला अत्याचारों के खिलाफ, महिला दुष्कर्मों के बढ़ते हुए मामलों के खिलाफ जिस तरह राजस्थान में वो सरकार, तो महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने के तौर पर भी एक महिला के नाम को आगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत जी आपने ये तो बता दिया कि मंगलवार का दिन अहम रहने वाला है, जरा और जानकारी दे दीजिए और ये भी बता दीजिए कि दो डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर रही है क्या पार्टी, कुछ तो बताइए। मुझे प्रियंका जी, सब पहले तो बता दूं आपको कि आप कुछ धैर्य तो रखिए, चुनाव के लिए जनता ने 5 साल अच्छी सरकार के लिए धैर्य रखा है, आप लोग को धैर्य रखिए, मेरा मानना है कि अब जब धैर्य रखिए तो निश्चित रूप से धैर्य के नतीजे अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, धैर्य के नतीजे अच्छे होंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं, निश्चित मान के चलिए परसों तक आपको सब कुछ साफ साफ और निश्चित रूप दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, सब विधायक दल की बैठक होने दीजिए, विधायक दल की बैठक में जो तय होगा संसदीय बोर्ड में जाएगा और संसदीय बोर्ड उस पर मोहर लगाएगा और फिर आपके पास निश्चित रूप नाम आपके पास आ जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य हो रखिए, बड़े दिन धैर्य रखा है आप सबने, राजस्थान जनता रखा है, इसका धन्यवाद है आप सबका, थोड़ा सा धैर्य वो रखने की आवश्यकता है। पौरव जी को धैर्य नहीं मिल पा रहा है, पौरव जी तो कांग्रेस बड़ी परेशान है। एक मिनट, एक मिनट, पौरव जी से कुछ सवाल पूछ लेता हूं मैं। अभी मेरे फाजिल दोस्त पौरव जी बड़े मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौड़ जी पर कुछ बातें कही बिना तथ्य के रूप में, तथ्यारोपण से यदि आप इस बात को, न्यूज 18 इस बात को साफ कहता है कि हम इसके साथ खड़े, इस बात के साथ खड़े, राजेंद्र सिंह राठौड़ जो कुछ कहा है न्यूज 18 पर कहा है तो बता दें, अन्यथा इस विषय को यहाँ पर नहीं लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है शायद, पहली बात। और दूसरी बात, जिस प्रकार से जिन लोगों के खुद अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाए वे लोग हमारे बारे क्या बात करेंगे। और आज मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बाबुओं तक पर टिप्पणी राहुल गांधी ने कर डाली, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती थी कांग्रेस के लिए, उनका बाबू सरकार चला रहे थे, माननीय गहलोत जी क्या कर रहे थे, सब चीज़ें सबके सामने स्पष्ट है। तो कांग्रेस फूट की ओर निश्चित रूप अग्रसर है, कांग्रेस कब कब टूटी है, देवराज हर्षी कांग्रेस बनी, तिवारी कांग्रेस बनी और अन्य अन्य कांग्रेस बनती 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 चली, कांग्रेस के टुकड़े 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 कहीं कहीं यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा पता लग गया होगा, और भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ हमेशा कटिबद्धता के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली है। आप इस सोच के चले, सोचते रहे कब टूटेगी, इंतजार जरूर करिए आप, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खुशहाली मिली, खम्भा लोचे, अच्छी बात है, नौशना भी चाहिए, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर खुशहाली मिली, खम्भा नौशती है, मुगेला सबने देखते हैं, देखने चाहिए, अच्छी बात है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, विवेक शून्यता नहीं मेरे फाजिल दोस्त, विवेक शून्यता नहीं, अरे विवेक से बात करें मेरे भाई, मेरी बात मेरे, अरे विवेक से बात करना, लेकिन विवेक से बात करना, मेरा निवेदन, मेरे कर्पत प्रार्थना है आपसे, हाथ जोड़ के विवेक से बात करना, विवेक शून्य मत होना। सुन लीजिए पौरुष जी, नहीं विवेक 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 से बात हो रही है, बिल्कुल विवेक शून्य, आप लोग विवेक शून्य तो मत कहना मेरे फाजिल दोस्त, व्यक्ति से कहना है मुझे आपको, आपको दो बार जनता ने केंद्र में सरकार का जनादेश दिया, राजस्थान में आपको जनता ने जनादेश दिया, तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा दिल रखते हुए अपनी जो अपने द्वारा जो कार्य पिछले सरकारों के द्वारा किए गए आगामी योजनाएं वो बतानी चाहिए। ये कैसा दुर्भाग्य देश की जनता का कि आपकी राजनीति कांग्रेस के नेहरू जी से शुरू होती है और राहुल गांधी जी पे खत्म होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, या फिर क्या आप लोगों के ऊपर कांग्रेस का इतना बड़ा खौफ है कि आपको आपसे सवाल एंकर की से पूछते हैं, भैया जिन्होंने मुख्यमंत्री फैल से बड़ी लंबी कर दी हो, मैं अपर पक्ष खड़ा करेंगे, कभी हरदेव जी से मुख्यमंत्री बनते, कभी सुजन जी बनते थे, और कभी रात को देवपुरा मुख्यमंत्री बन गए, पता है कि आपको देवपुरा मुख्यमंत्री बने थे, आपके 14 दिन के मुख्यमंत्री देवपुरा बने थे, भैया क्या बात है, विवेक शून्यता बन गई भैया, और उस बिल्कुल विवेक शून्य हो गया आपको, नहीं 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 आपका भी अपर पक्ष खड़ा हो गया भैया, तमाम बहस के बाद भी सवाल यही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा और दिन कब तय किया जाएगा, कब पता चलेगा कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल, खास चर्चा हमने की। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।